विकास भवन के अधिकारी से हाथापाई के बाद बड़े बाबू को पुत्र व पत्नी सहित भेजा जेल। आपको बता दें, दरअसल मामला विकास भवन के जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग का है, जहां सोनभद्र निवासी जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी प्रशांत सिंह का दिसंबर माह से अपने ही ऑफिस के बड़े बाबू हमबीर सिंह से कोई विभागीय विवाद चल रहा था। कल भी ऑफिस में देर से उपस्थित आने को लेकर बड़े बाबू हमबीर सिंह से कहा सुनी हुई, जिसका वहां मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया। कहा सुनी बढ़ने के बाद बड़े बाबू हमबीर सिंह की पत्नी व उनका बड़ा पुत्र भी विकास भवन स्थित ऑफिस में पहुंच गया। आरोप है कि बाबू ने पत्नी व पुत्र के साथ मिलकर अधिकारी प्रशांत के साथ हाथापाई की, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंच गई और आज मिली तहरीर के आधार पर बड़े बाबू हमबीर सिंह, उनकी पत्नी व उनके बेटे को पुलिस ने जेल भेज दिया। कल ये तो हम गए उनके कक्ष में गए, हम सर आपसे बात करना चाहते हैं, हम आए कि आपको हमबीर सिंह आपके यहाँ पर आएगी, उनकी पत्नी के भाग यहाँ से, तू यहाँ कैसे आई, भाग यहाँ से तू, मैंने कि हम आप हमारे अफसर हैं, हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम क्या खाएं, हमारे हमारे बच्चे चटनी रोटी खा रहे हैं, क्या खाएं, हमने कि हमारा वेतन वेतन, मैंने कि आप इस तरीके से क्यों पेश आते हैं। आज आप तीन लोगों का मुझे धक्का मारा और मेरी बाजू है, देखो जैसे उन्होंने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आपको जेल क्यों भेजा जा रहा है आज, आप तीनों लोगों को जेल भेजा जा रहा है? उन्होंने रिपोर्ट दी है मारपीट की, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना तो रिपोर्ट ना कुछ भी उनकी हो रही है सुनवाई। तो यही अकेली गई है कमरा में, तो जिनने कही के साहब ऐसे ऐसे बात है, नाती बीमार हो गया, 31,000 रुपया खर्च हो गया और हमारा रुका हुआ 30 दिन का वेतन निकाल दो, तो तू निकल 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 यहाँ से, तेरा क्या काम है, निकल निकल, बस इतनी बात। तो फिर जिन्ना तो गर्मा गर्मी करी हुए करिए, मैं पहुँच गया हूँ, मैंने किया है, चलो अब निकल जहाँ तक, बस मैंने सेठी को सौंप बना दिया और मुझे लबेड़े के रख दिया। आज आपको जेल भेजा जा रहा है? हाँ। किस किस को? मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है। क्या एलिगेशन? जेल भेजा जा रहा है, क्या बात है? छोटे कर्मचारी हैं, छोटे लेवल के कर्मचारी हैं मेरे डैडी, तो उनकी कोई बात सुनते नहीं है, गाली गलौज करते हैं और हाथापाई भी कर चुके हैं एक दो बार।